बहू, इस बार पोता ही चाहिए। आज सवेरे उठने के बाद से ही उमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एसिडिटी भी हो रही थी। लगता है फिर से प्रेगनेंसी 6 दिन ऊपर हो चले हैं। पीरियड्स भी नहीं आए हैं। प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर ही उसका दिल घबराने लगा। धड़कनें तेज हो गईं। वो माँ बनना चाहती थी कि 5 साल से सूनी पड़ी उसकी गोद एक बार फिर हरी हो जाए। मगर पिछले 2 बार से उसे जिस पीड़ा और क्षोभ भरे अनुभवों से गुजरना पड़ा था, उसकी याद आते ही उसका मन घिन हो गया। कहीं इस बार भी वही सब दोहराया गया तो? हे ईश्वर, रक्षा करना। वो गहरी सांस भरकर बिस्तर पर बैठ गई। गुड़िया और मनोज अभी सोए हुए थे। आज रविवार था। दोनों के लिए देर तक सोने का दिन। माजी बड़े ताऊजी के घर गई हुई थी। नवरात्रि चल रही थी। पोते के जन्म की मन्नत पूरी करने के लिए उनके यहाँ देवी का जागरण था। जाते हुए माजी प्रसन्न नहीं थी। पता नहीं देवी की हम पर कब कृपा होगी। मुझे पोते का मुंह दिखा दे तो मैं भी जागरण कराऊं। देवी माँ की परम भक्त माजी ने कोई मंदिर कोई उपवास नहीं छोड़ा था। हालांकि घर हर तरह से संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी माजी को लगता था कि देवी की उन पर कृपा नहीं है। तभी तो घर में उनके पोते की जगह 5 साल की पोती गुड़िया लिए बैठी थी। उमा की भरी पूरी ससुराल थी। 4 बहुओं में तीसरी थी माजी। सबके घर आसपास थे। साझा व्यापार था और रोज का साथ उठना बैठना था। हर घर की रत्ती रत्ती खबर दूसरे के घर को रहती। माजी के अनुसार बाकी सब पर देवी माँ की असीम कृपा थी, क्योंकि खानदान की सभी बहुएं बेटे जन रही थीं, सिवाय उमा के 5 साल पहले गुड़िया को जना था। उसके बाद 2 प्रयासों में लड़के को गर्भ में धारण करने में असफल रही थी, इसलिए उमा उनकी नजरों में हीन व तिरस्कृत थी। बाकी सभी बहुओं ने कैसे गर्भ में आई कन्या का सफाया कर मात्र लड़कों को पैदा करने का गौरव प्राप्त किया है, यह बात उमा से छिपी नहीं थी। वो गर्भ परीक्षण कर लिंग भेद के आधार पर होने वाले गर्भपात की घोर विरोधी थी। आखिर उसके पापा ने उसे और उसकी बहन को बड़े लाड़ दुलार से पाला है। अंत ऐसी नीच मानसिकता के बीज उसके मस्तिष्क में कभी नहीं पड़े थे। मगर उसकी संपन्न और पढ़ी लिखी ससुराल में तो माजरा ही उल्टा था। कहने को तो पूरा परिवार देवी माँ का परम भक्त था। लगभग रोज ही किसी न किसी घर में देवी माँ के नाम पर कुछ न कुछ कर्म कांड होता ही रहता। मगर जब बात देवी के वास्तविक रूप कन्या के जन्म की होती तो घर के बड़े बूढ़ों के मुंह ऐसे उतर जाते जैसे किसी ने उनकी समस्त संपत्ति छीन ली हो। उमा को जब भी किसी भाभी के गर्भपात की खबर मिलती तो उसका मन घृणा और क्रोध से भर जाता। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपने ही बच्चे के साथ। मगर जब उसने पहली बार गर्भ धारण किया तो समझ में आया कि बेचारी भाभियों का कोई कसूर नहीं था। संयुक्त परिवार में घर के बड़ों के भीषण दबाव को झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छे अच्छे चित्त हो जाते हैं, फिर घर में एक लाचार पशु सी बंधी बहू की हैसियत ही क्या है जो अपना विरोध जताकर मुसीबतों को आमंत्रित करे। फिर भी उमा ने हिम्मत नहीं हारी। मनोज, प्लीज, ये हमारा पहला बच्चा है, मैं इसे अवश्य जन्म दूंगी। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझता हूँ उमा, ये तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा है। माँ को तो मना लूंगा, मगर ये जो रिश्तेदार की फौज आसपास जमा है, जो आग में घी डालती है, उससे कैसे निपटूं? मनोज भी परेशान था। चाहे जो भी हो, मैं सोनोग्राफी नहीं कराऊंगी। जैसे भी हो, माजी को तुम्हें मनाना ही पड़ेगा, उमा बोली। बच्चे को लेकर उमा किसी भी समझौते को तैयार नहीं थी। अंत यह एक योजना के तहत उमा मायके चली गई और जब माजी को उसके गर्भ की खबर लगी तब तक गर्भपात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पहला बच्चा था इसलिए उमा की नासमझी का नाटक माजी समझ नहीं पाई। फिर गुड़िया का जन्म हुआ था, जिसे माजी ने
बुझे मन से स्वीकार किया। उसके जन्म पर न तो कोई जागरण हुआ, न ही बधाई के गीत गाए गए, मगर उमा और मनोज खुश थे। कोई और करे ना करे, वो अपनी नन्ही सी जान को बेहद प्यार करते थे। 2 साल बाद उमा फिर गर्भवती हुई, पर इस बार माँ जी पूरी तरह से सज थी। वो पहली भूल को किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहती थी। उमा की छोटी से छोटी हरकत पर भी उनकी पैनी नज़र थी, वो बच न सकी। माँ के इमोशनल ड्रामे, रोने धोने और कलेश से बचने के लिए मनोज अनचाहे मन से ही सही उमा पर दबाव डालने लगा। उमा, माँ को हर बार संभालना मेरे लिए असंभव है। पिछली बार हमारी बात रह गई थी, लेकिन इस बार माँ के मन की ही हो जाने दो। घर का तनाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं शांति से जीना चाहता हूँ। घर की हर बात माँ जी रो धोकर नमक मिर्च लगाकर ऐसे पूरे कुटुंब में पेश करती थी कि सबकी नज़रें उमा और मनोज की ओर तन जाती। रोज रोज के कलह से बचने के लिए उमा ने भारी मन से की परिस्थिति से समझौता कर लिया था। तब से अब तक 2 बार गर्भ हत्या का दंश झेल चुकी उमा फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। आप बीती सोच सोच कर उमा का सिर भारी हो चला। वो रसोई में चाय बनाने चल दी। रसोई में कामवाली बाई सगुना बर्तन धो रही थी। चाय बनाते वक्त उमा को मितली आ गई और वो बाथरूम की ओर भागी। का दादी, कोई खुशखबरी है का? सगुना उमा की शारीरिक भाषा से समझ गई थी। उमा ने उसे एक नज़र देखा पर कुछ न कहा। उमा की चुप्पी को हाँ समझ सगुना ने अपना अंदाजा पक्का मान लिया। चलो अच्छा ही है दीदी, गुड़िया कब तक अकेले खेलेगी? उसे भी तो कोई साथी चाहे संग खेलन वास्ते। अकेले बच्चे का घर में बिल्कुल जीना लगे है। अच्छा, तेरे कितने बच्चे हैं? उमा ने चाय छानते हुए पूछा। कितने का? बस एक ही बिटिया है मेरी, अब तो शयानी हो गई है, 10वीं में पढ़े है। बताते हुए सगुना का चेहरा गर्व से दमक उठा। क्यों, दूसरा नहीं किया था? उसके बाद क्या बताऊं दीदी, इसके जन्म पर ही इतनी कलेश पड़ गई थी घर में। इसके वक्त धोखे से डॉक्टरी जांच करा दी मेरी, मैं ठहरी अनपढ़ गवार, मुझे तो कुछ पता ना था। छोरी जान पेट गिराने को पीछे पड़ गए कमीने, मगर मैं तैयार न हुई। भला बताओ तो दीदी, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करते तो मैं कैसे आती इस दुनिया में? फिर क्या हुआ? उमा उत्सुक थी। होना का था दीदी, मैंने अपनी सास और मर्द को जो खरी खोटी सुनाई के पूछो मत। मैंने साफ के दिया कि मानो मैं अनपढ़ गवार हूँ, मगर हाथ पैर से सलामत हूँ। कैसे भी करके अपना और छोरी का पेट पाल लूँगी। तेरे दरवाजे पर न आऊँगी रोटी मांगने। मेरी कोख की तरफ आंख उठा के भी देखा तो अच्छा ना होगा। बस मेरी सास ने मुझे घर से निकलवा दिया। और तेरे आदमी ने नहीं रोका तुझे? उमा ने पूछा। वो क्या रोकता, वो तो अपनी माँ का पिछल लग्गू था। मैंने भी सोचा परे हटाओ ऐसे मर्द को, जो दुख दर्द में अपनी जोरू का साथ ना देकर माँ के पीछे जा छुपे। जो अब काम न आया, कुछ बुरी पड़े पे क्या काम आएगा? बस दीदी, अब तो खुद कमा का खा रही हूँ और बिटिया को पढ़ा लिखा रही हूँ। इस एक ही बात कहती हूँ, उसे दुनिया से कुछ उम्मीद मत करियो, खुद मजबूत बन। उमा सगुना की बातें सुन अवाक रह गई। इस बुराई की जड़ें उसके घर तक ही नहीं, दूर बसी गरीबों की बस्ती में भी फैली थीं। तुम लोगों में भी तो होता है ये सब? उमा ने हैरानी से पूछा। होता क्यों नहीं दीदी, हम ठहरे गरीब, जिस सौदे से सिर पर खर्च आ पड़े वो किसे भाएगा? खैर जाने दो, हम लोगों में तो ये सब चलता ही रहता है। हम अनपढ़ों में कहाँ इतनी अकल की छोरे छोरी का भेद ना करें। जिस छोरी की किस्मत भली होगी उसे भगवान आप जैसे के घर में भेजे है। अपनी गुड़िया को ही देख लो, रानी बनकर राज करे है घर भर पर, सगुना दर्द भरी आवाज में बोली। सगुना की आखिरी बात उमा के दिल को तीर की तरह भेद गई।
इसे क्या पता गुड़िया के अस्तित्व की रक्षा के लिए कितने प्रयत्न करने पड़े थे उसे। बेटियों को मानने का चलन अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे संपन्न परिवारों में है, जो अपना जीवन भगवान की इच्छा से नहीं बल्कि अपने समीकरणों पर जीना चाहते हैं। क्यों हर तरफ से संपन्न परिवार भी लड़की के जन्म को भारी मन से लेता है। पता नहीं वो कौन सी मानसिकता है जो उन्हें अपने ही अंश को नष्ट करने के लिए उकसाती है। उमा चाय लेकर अपने कमरे में आ गई, मगर अब उसे पीने का मन न हुआ। जो कुछ उसके सामने आने वाला था उसके लिए वो अभी तैयार नहीं थी। सगुना की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थीं। दिखने में पतली दुबली छीड़ सिकाया वाली सगुना, मगर भीतर कितनी हिम्मत, कितनी साहसी है। एक अनदेखे अनजन्मे बच्चे के लिए एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दिया। न समाज की चिंता, न सिर पर छत की फिक्र, न पति का मोह, मुझ में क्यों नहीं है इतनी हिम्मत। मैं तो मनोज के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तो पढ़ी लिखी होकर भी सगुना के आगे कुछ भी नहीं। क्या हूँ मैं, एक जीती जागती इंसान या एक खिलौना जिसे चलाने वाला रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। उमा स्वयं के विचारों में बुरी तरह से उलझी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मनोज उठकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। उमा उससे कुछ न कह सकी, पर वो अजीब सी कसमकस में थी। थोड़ी देर में माजी भी आ गई। उमा की खराब तबीयत की वजह समझ आते ही माजी खुशी से फूली नहीं समाई और बोली, मैं जानती थी ऐसा ही होने वाला है। देवी माँ मुझे निराश नहीं करेंगी। उसने तो रात ही को मुझे ध्यान में बता दिया था कि मेरे घर पोता आने वाला है। अपनी तीव्र इच्छाओं की पूर्ति की खबर सपने या कल्पना में अपने इष्ट देवी देवता से सुनी ईश्वर वाणी नहीं बल्कि अपने ही मन का बुना ब्रह्म जाल है। ये बात माजी नहीं समझती थी। उमा की पिछली प्रेगनेंसी में भी देवी ने उन्हें सपने में आकर पोते की खबर दी थी, जो बात में निर्गुण सिद्ध हुई थी। मैं गीता को फोन कर देती हूँ, वो समय पर जांच कर लेगी। माँ की बात सुन मनोज ने निर्विकार भाव से उमा की ओर देखा। उमा के मन की पीड़ा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, जिसे समझकर भी वो कुछ न कह सकी। उमा को तीसरा महीना चढ़ चला था। माजी ने उमा की सोनोग्राफी या अपॉइंटमेंट ले लिया हुआ था और परिमाण अनुकूल न होने पर गिराने का इंतजाम भी पुख्ता था। वैसे तो हमारे देश में लिंग परीक्षण अपराध की श्रेणी में आता है, मगर कुछ अतिरिक्त सुविधा शुल्क देकर कौन सी ऐसी सुविधा है जो खरीदी नहीं जा सकती है। उमा के साथ क्लिनिक में मनोज को न भेजकर माजी स्वयं जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा न था। कहीं उमा की बातों में आकर पलट गया तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। उमा की सोनोग्राफी हो चुकी थी, आशाओं पर एक बार फिर पानी फिर गया था, मगर वो नियति के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। जैसे जैसे गर्भपात का समय पास आ गया रहा था, उमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका अंतर्मन चित्कार रहा था, मत होने दे ये अनर्थ उमा, बहुत हुआ, कब तक यूं अपने ही खून की हत्याओं का पाप ढोती रहेगी। क्या तू सगुना से भी गई गुजरी है? जब वो अपनी कोख की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग सकती है तो तू क्यों नहीं? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा यही ना कि तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। मगर अपनी बच्ची को कम से कम जीवित तो देख पाएगी। वो नन्ही सी जान पूरी तरह से तुझ पर आश्रित है। सोचती होगी कि मैं अपनी माँ की कोख में सुरक्षित हूँ। मेरी माँ है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। चैन से सोई होगी वो, क्या बीतेगी उस पर जब जानेगी कि अपनी कोख में सहजने वाली माँ ही आज प्राणघातनी बनी हुई है। मत कर ऐसा अन्याय उसके साथ। आज मनोज के प्यार की भी परीक्षा होने दे।
हर बार गलत फैसलों के लिए मात्र संपन्न के नाम पर माँ के साथ खड़ा होने वाला आदमी क्या एक सही फैसले के लिए तेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता? और अगर वो अभी तेरा साथ खड़ा नहीं हो सका तो फिर ऐसे पति से क्या उम्मीद करना? वो तो जीवन में किसी भी मोड़ पर तेरा साथ छोड़ सकता है। तू इतनी असमक्ष भी नहीं कि अपनी बच्चियों का भार न उठा सके। बस जरा सी हिम्मत कर उमा। उमा चलिए, नर्स की आवाज सुन उमा का शरीर जैसे कांट का हो गया। जैसे तैसे वो खड़ी हुई मगर पांव नहीं हिला पा रही थी। यह मुझसे नहीं होगा माँ जी, मैं यह नहीं करूंगी, कंठ में फंसा नेड़िया पूरे आवेश के साथ बाहर निकला। मनोज जिस कलेश के आगे नतमस्तक था वो आज पूरे उफान पर था। बहुएं घर बसाने के लिए होती हैं, उजाड़ने के लिए नहीं। मेरे वंश का खात्मा करने पर तुली है ये। कह देती हूँ मनोज, या तो इसे समझा ले वरना इससे हमसे कोई नाता नहीं रहेगा। माँ जी गुस्साई आवाज में बोली। न रहे तो न सही माँ जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर इस बार अपनी कोख पर आँच न आने दूंगी। मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला। आगे जैसी आपकी मर्जी, मैं आज ही यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। उमा की वाणी और भाव दोनों शांत थे। अनवरत मानसिक द्वंद्वों के तूफान एक निर्णय पर आकर ठहर गए थे। अब वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। कोई कहीं नहीं जाएगा माँ, उमा ने जो किया ठीक किया, मैं खुद भी यही चाहता था, मगर न जाने क्यों चाहकर भी साहस नहीं कर पा रहा था। अपनी दो बेटियों की हत्या की गिलानी अभी तक है मुझे, तीसरी की झेलने की शक्ति नहीं है मुझ में। हिम्मत करके मनोज बोला, ये क्या कह रहा है तू? इसके साथ साथ तेरा भी सिर फिर गया क्या? मरने के बाद कोई क्रियाक्रम श्राद्ध करने वाला भी नहीं होगा तेरा, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माँ की बातें सुन इस बार मनोज की सहन शक्ति जवाब दे गई। आत्मा की मुक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों से होती है, किसी कर्म कांड से नहीं। और आज एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, अगर तुमने उमा की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी बाधा खड़ी की या उसे किसी भी तरह का तनाव दिया तो हमारी मुक्ति हो या न हो तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे मरने पर न तो तुम्हारा क्रियाकर्म करूँगा और न ही पिंडदान। आज मनोज के दिल में फंसा बरसों का गुब्बार भी फूटकर बाहर निकल गया। माँ जी उसके जवाब से जड़वत रह गई। उमा अगर तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो तुम्हारे साथ मैं भी यह घर छोड़ दूंगा। मनोज की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से उमा भाव विफल हो गई और उससे लिपटकर रो पड़ी। आज उसकी सूनी गोद फिर हरी हो गई थी। आज उसने अपनी कोख के साथ अपने सुहाग पर भी अधिकार पा लिया था।